आप सबों को मालूम होगा कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में संकल्प रैली एनडीए के द्वारा आयोजित की गई। इस रैली में 3 प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। इस रैली के सफलता के लिए बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा करते हुए आज हम लोग जमुई पहुंचे हैं। जमुई में आज जिला के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग की बैठक हुई है। हम सबों ने पूर्व में ही एनडीए के बाकी शीर्ष नेतृत्व को जानकारी दिया था कि लोक जनशक्ति पार्टी के संपूर्ण बिहार से 2 लाख से अधिक कार्यकर्ता उस रैली में शिरकत करेंगे, लेकिन जमुई आने के बाद जो प्रमुख साथियों से जो बातचीत हुई है, जो तैयारी देख रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि सिर्फ जमुई, जो कि छोटा जिला है, यहाँ से 15,000 से अधिक लोक जनशक्ति पार्टी, सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता 15,000 से अधिक गांधी मैदान पहुंचेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग भी अपने स्तर से तैयारी में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से जो हम लोग देख रहे हैं सभी जगह कि 3 मार्च का को पटना का गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। आज तक न तो ऐसा रैली कभी पटना के गांधी मैदान में हुआ होगा और हम लोग समझते हैं कि भविष्य में भी शायद इस तरह का रैली नहीं होगा। देश का सबसे बड़ा रैली 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होगा और उस दिन हम लोग 5 साल का हिसाब भी देंगे बिहार की जनता को। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, रामविलास जी के नेतृत्व में जो 5 साल का काम हुआ है उसका हिसाब भी देंगे और हिसाब लेंगे भी। यूपीए के नेताओं से हम लोग हिसाब मांगेंगे भी। उस दिन दोनों काम हम लोग करेंगे। बाकी आप लोग और कुछ पूछना हो तो हिसाब देने की बात तो समझ गया, हिसाब लेने की बात हिसाब लेंगे। उन्होंने भी देश को चलाया है, उनके भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या काम किया है उसका हिसाब लेंगे। बिहार की जनता, देश की जनता चाहती है यदि हमको नरेंद्र मोदी जी हिसाब दे रहे हैं तो दूसरे लोग भी हिसाब दें। पिछले बार हिसाब नहीं लिया गया। पिछले बार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर देश में एनडीए की सरकार बनी थी, लेकिन 5 साल जो अब नरेंद्र मोदी जी जो काम किए हैं उसका हिसाब देंगे, दिया जाएगा। और हम लोग यूपीए के नेताओं से हिसाब मांगेंगे कि आप 40 साल का हिसाब मुझे दे दो। अरे वो तो हिसाब आपको इसी बार दे दिए तो जनता ने नकार दिया, उनको जवाब दे दिया, जनता फिर नकारेगी, उनके पास कोई जवाब नहीं है। नायाब नहीं लग रहा, सत्ता पक्ष जो है विपक्ष से सवाल करेगी। अब विपक्ष के पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई भी जवाब विपक्ष के पास नहीं है, कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अब बिहार में तो बिल्कुल नहीं है, बिहार में विपक्ष का खाता भी कहीं से नहीं खुलने वाला है। कांग्रेस लगातार हमलावर है और जीतनराम मांझी भी हमलावर है। आतंकवाद जो पुलवामा पर अभी जो आतंकी हमला हुआ है उस पर क्या सरकार एक्शन ले तो नहीं उतना खुद ले पा रही है और लगातार विपक्षी पार्टी हमलावर हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय कुछ बात ऐसी होती है जो गोपनीय रहता है। क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था? सर्जिकल स्ट्राइक होने से पहले किसी को कोई जानकारी थी? हमारे प्रधानमंत्री चुप बैठने वाले नहीं हैं, वो निश्चित रूप से कोई बड़ा कदम उठाएंगे और सही समय आने पर आप सबों को जानकारी मिल जाएगी, बल्कि आप सबों के माध्यम से देश के लोगों को, हम लोग को भी जानकारी मिलेगी।
आपके चिराग पासवान तो मांग भी किए हैं, आवेदन भी दिए हैं कि इस पर अधिक से अधिक कार्यवाही हो, कड़ी एक्शन लिया जाए आतंकवाद पर, तब कहां क्या हुआ है कुछ अभी हो रहा है ना। मैंने क्या कहा, उस मामले को लीक नहीं किया जा सकता है, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की बात को लीक नहीं किया जाता, जब समय आएगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन इतना हम लोग आश्वस्त हैं कि बहुत बड़ी कार्रवाई भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। समय कुछ बताएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में लिया जाएगा। हम जानते हैं आप पत्रकार हैं, जो आग हम में है बिहार की देश की जनता में, वही आग आपके अंदर भी है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अभी तक पार्टी छोड़ने की हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। अभी 20 तारीख को बैठक हुई थी, उनके लड़का बैठक में थे, आज क्या तारीख है, 25 न, 5 दिन पहले। और जहां तक प्रत्याशी बनने की बात है तो हर एक पार्टी में एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उनको तय करना है कि कौन कहां से प्रत्याशी होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के ठीक पहले कोई बड़ा कदम उठाया जैसे कि चुनाव पर असर पड़े, पॉजिटिव असर पड़े? कौन? भारत सरकार द्वारा पुलवामा में लेकर के चुनाव के ठीक पहले कोई बड़ा कदम उठाया जाए, चुनाव उसको चुनाव से मत जोड़िए। हम इतना ही कहेंगे कि बड़ा कदम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उठाएंगे। चुनाव भी नजदीक है, चुनाव नजदीक है, चुनाव अपना होते रहेगा, चुनाव चुनाव से जोड़ कर नहीं देखा जाए। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो संकल्प रैली के बारे में आप बता रहे हैं, अभी यहाँ पर एक रेल लाइन जो है 24 तारीख को उसका शिलान्यास करने की बात की जा रही थी, और वो फिर अभी कहा जा रहा है, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे, ये कहा जा रहा है सांसद के जो भी हैं उनके द्वारा कि अब आगामी संकल्प रैली में इसकी घोषणा की जाएगी, इसे शिलान्यास किया जाएगा, इस तरह के जो दावे किए जा रहे हैं ये कहां तक सच्चाई है? संकल्प रैली में ही इस तरह के आयोजन किए जाएंगे? रेल का जो निर्माण हुआ, रेल लाइन का जो निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से जमुई के सांसद आदरणीय चिराग पासवान जी का पहल के चलते वह निर्माण हुआ है, और उसका डेट बढ़ा, हाँ उनके प्रयास से स्वीकृत हुआ है, शिलान्यास ने हुआ, स्वीकृति हुआ है, मिली है। जहाँ तक 24 तारीख की बात है तो जो देश में स्थिति हो गया, बहुत सारे कार्यक्रम स्थगित हुआ है, या तो 3 तारीख हो जाए, नहीं तो 3 तारीख के तुरंत बाद उसका शिलान्यास हो जाएगा, हो जाएगा निश्चित रूप से। 3 तारीख वाली बात ने कहा क्या आटक? 3 तारीख बात तो 3 तारीख बारे मुझे जानकारी अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, और हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। 3 को यदि गांधी मैदान से हो गया तो ठीक है, 3 तारीख के बाद फर्स्ट वीक में उसका शिलान्यास हो जाएगा प्रथम से। अच्छा अभी जो पुलवामा में आतंक, और उन्होंने आश्वस्त किया है माननीय सांसद चिराग पासवान जी को कि निश्चित रूप से हम कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे और शीघ्र करेंगे।